चलें करिए आइए। Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा statement correct है? Recording है JPT। किसके उसमें संबंध में? JPT के संबंध में। Operating above pinch of voltage। मतलब आपकी FPT किस पे? Pinch of voltage से ज्यादा। VDS का मान pinch of से ज्यादा है। उस पे ये काम कर रही है। पिंच ऑफ से ज्यादा पे काम कर रही है। तो क्या कह रहा है पहला ऑप्शन? द डिप्लेशन रीजन बिकम्स स्मॉलर। पिंच ऑफ से ज्यादा पे जब काम करती है तो क्या कंडीशन होती है हमारी? ये पिंच ऑफ वोल्टेज हो गया। ड्रेन करंट क्या हो जाती है? ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाती है और मैक्सिमम पे होती है IDSS। क्लियर? कब होती है ड्रेन करंट मैक्सिमम? जब डिप्लेशन रीजन एकदम नैरो हो जाता है। क्लियर? इसका मतलब पिंच ऑफ से ऊपर है तो डिप्लेशन रीजन क्या हो गया? बढ़ गया, चैनल नैरो हो गया। इसका मतलब इस कंडीशन में डिप्लेशन रीजन क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमम पे होगा और चैनल नैरो हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन द डिप्लेशन रीजन बिकम्स स्मॉलर गलत है। वोल्टेज कम करोगे तो गेट सोर्स को भी, जब VDS को बढ़ाते हो तो गेट सोर्स का भी रिवर्स वोल्टेज बढ़ता है। VDS को घटाते हो तो गेट सोर्स को मिलने वाला रिवर्स वोल्टेज कम होता है। तो डिप्लेशन रीजन कम होता है। इसका मतलब इस कंडीशन में डिप्लेशन रीजन हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। गलत है ऑप्शन। दूसरा, द ड्रेन करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद ड्रेन करंट क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। और ये कह रहा है स्टार्ट डिक्रीजिंग, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, द ड्रेन करंट रिमेंस प्रैक्टिकली कांस्टेंट। तो नो डाउट ड्रेन करंट क्या होगी हमारी? प्रैक्टिकली कांस्टेंट हो जाएगी। और तीसरा कह रहा है अंतिम, द ड्रेन करंट इंक्रीजेज स्टेपली, स्टेप बाय स्टेप ड्रेन करंट बढ़ेगी। गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सी, द ड्रेन करंट रिमेंस प्रैक्टिकली कांस्टेंट। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है हमारा। FET लॉक क्यों करना है? FET कैन बी यूज्ड एज ए, क्या दे रहा है? इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। किसके जैसा यूज कर सकते हैं? FET कैन बी यूज्ड एज, इंडक्टर के जैसा तो नहीं, कैपेसिटर के जैसा नहीं, कैसा? रेजिस्टर के जैसा ही ना। क्यों? रेजिस्टर कहने का मतलब गेट सोर्स को कुछ वोल्टेज दे दिए, VDS जो करंट बहेगी तो चैनल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये रेजिस्टिव एलिमेंट ही ना काम करेगा। और VGS का वोल्टेज जितना दोगे उसके अकॉर्डिंग उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो एज ए क्या बिहेव करती है? रेजिस्टेंस के तरह बिहेव करती है। आइए, यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे, रजिस्टर और करेंट सोर्स, रजिस्टर और करेंट सोर्स। तो FET कैन बी यूज एज ए, क्या वर्ड यूज किया? वेरिएबल करंट सोर्स। अगर करंट सोर्स हम कहेंगे तो वर्ड क्या बना? वेरिएबल करंट सोर्स। नो डाउट FET जब पिंच ऑफ वोल्टेज से ज्यादा देते हैं, करंट कांस्टेंट, मतलब करंट सोर्स की तरह बिहेव करती है, लेकिन कांस्टेंट करंट, करंट क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। लेकिन वेरिएबल लगाया तो किसके जैसा? वेरिएबल रजिस्टर के जैसा। मतलब जब अगर VGS के मान को बदलेंगे तो डिप्लेशन रीजन बदलेगा, चैनल का रेजिस्टेंस बदलेगा। तो किसके जैसा बिहेव कर रही है? वेरिएबल रेजिस्टर के जैसा ना। पिंच ऑफ वोल्टेज कांस्टेंट होगा, नॉट पिंच ऑफ वोल्टेज। FET कैन बी यूज एज वेरिएबल। पिंच ऑफ की बात थोड़ी किया है, पिंच ऑफ की बात नहीं किया है। तो पिंच ऑफ के पहले, पिंच ऑफ के पहले FET को कैसा यूज कर सकते हैं? एज ए वेरिएबल रजिस्टर। और पिंच ऑफ के बाद उसका यूज कर सकते हैं एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स। इसने क्या पूछा? वेरिएबल रजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। बोलिए, बात समझ में आया? अगर ये ऑप्शन हमको नहीं भी देता है कि पिंच ऑफ के पहले या पिंच ऑफ के बाद, ऑप्शन कहता पिंच ऑफ के पहले तब क्या होता? वेरिएबल रजिस्टर, पिंच ऑफ के बाद कांस्टेंट करंट सोर्स। वेरिएबल करंट सोर्स तो कभी भी नहीं होगा ना। बोलिए मनीष, क्लियर हुई बात या नहीं? आगे बढ़े। इन FET द ड्रेन वोल्टेज एबव विच देयर इज नो इंक्रीज इन ड्रेन करंट। क्या कह रहा है? ड्रेन वोल्टेज, ड्रेन का वोल्टेज मतलब भाई सोर्स का रेफरेंस वोल्टेज अगर जीरो है तो सोर्स के रिस्पेक्ट में ड्रेन वोल्टेज VDS ही होगा या VD। कब?
in a FET, the drain voltage above which there is no increase in drain current. Drain current का मान नहीं बढ़ता है. किस voltage के बाद? जब drain voltage का मान कितना हो? Pinch off लिखा है. Pinch off voltage. ये question JB गुप्ता में भी था. Repeated question. The operation of a JPT involves a flow of क्या होगा? Majority carrier. End channel में carrier क्या है? Electron. Electron की मदद से बहती है. लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ होल भी होगा, तो माइनॉरिटी कैरियर होल. लेकिन किसकी मदद से करंट? मेजॉरिटी कैरियर की मदद से. अगर पी चैनल होगा तो मेजॉरिटी कैरियर कौन? होल. तो किसकी मदद से बहेगी? होल की मदद से. तो किसकी मदद से बहती है? व्हेन द पॉजिटिव वोल्टेज ऑन द गेट ऑफ ए पी चैनल जेपीटी इंक्रीज. क्या कह रहा? पॉजिटिव वोल्टेज. किसका पॉजिटिव वोल्टेज? गेट ऑफ पी चैनल. अगर हम बात करें कि हमारे पास पी चैनल जेपीटी, का मतलब ये हो गया हमारा N और ये भी N और ये P, ये गेट सोर्स और ये ड्रेन और सोर्स, ये हो गया ड्रेन और ये सोर्स और ये गेट. कह रहा है व्हेन द पॉजिटिव वोल्टेज ऑन द गेट ऑफ पी चैनल के गेट पर क्या दिए? पॉजिटिव. किसके रिस्पेक्ट में? सोर्स के रिस्पेक्ट में. सोर्स के रिस्पेक्ट में ऐसा दिए तो क्या होगा? N पॉजिटिव, P नेगेटिव. VGS क्या हो गया? रिवर्स बायस. इसका मतलब रिवर्स बायस हो गया तो डिप्लेशन रीजन क्या रहेगा? फॉर्म रहेगा. व्हेन द पॉजिटिव वोल्टेज ऑन द गेट ऑफ ए पी चैनल जेपीटी इज इंक्रीज्ड. अब इस वोल्टेज को बढ़ावे, इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा और डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा तो ड्रेन करंट का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो द ड्रेन करंट विल क्या हो जाएगा? डिक्रीज. तो ड्रेन करंट का मान हमारा घट जाएगा. ए एफईटी डिफर्स फ्रॉम ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर एज इट हैज. कह रहा है कि एफईटी जो है डिफर है, अलग है किससे? बाइपोलर ट्रांजिस्टर से. एज इट हैज या रखता है क्या चीज? सिंपलर फैब्रिकेशन, निगेटिव रेजिस्टेंस, हाई इंपुडेंस, एनी ऑफ द एबव. निश्चित तौर पे एफईटी का इनपुट इंपुडेंस बीजेटी की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, ये सही है. निगेटिव रेजिस्टेंस, निगेटिव रेजिस्टेंस का सेंस होता है कि हम वोल्टेज के मान को बढ़ावें. अब तो करंट का मान बढ़ता है लेकिन वोल्टेज के मान को बढ़ाने पर करंट का मान जब घटने लगता है तो वह निगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करता है. और फैब्रिकेशन भी सिंपलर नहीं है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाई इनपुट इंपेडेंस. ए एफईटी फॉर इट्स ऑपरेशन डिपेंड ऑन द वेरिएशन ऑफ. एक एफईटी है फॉर इट्स ऑपरेशन, इसके ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन इसका डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन ऑफ. इसका ऑपरेशन किसके चेंजिंग पर, किसके वेरिएशन पर डिपेंड करता है? पहला कह रहा फॉरवर्ड बायस जंक्शन, रिवर्स बायस जंक्शन, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड, अगला है डिप्लेशन लेयर विद रिवर्स वोल्टेज. तो निश्चित तौर पे अगर हम वहां पे क्या कर दें, गेट और सोर्स के अक्रॉस का रिवर्स वोल्टेज चेंज करें तो क्या होगा? हमारा डिप्लेशन लेयर की विड्थ चेंज होगी तो ड्रेन करंट चेंज होगी. मतलब FET का जो ऑपरेशन है वह डिपेंड करता है किसके वेरिएशन पे, किसके चेंजिंग पर? गेट सोर्स के वोल्टेज को. गेट वोल्टेज के चेंज करके क्या कर सकते हैं? ड्रेन करंट को चेंज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे गेट सोर्स का जंक्शन पहला ऑप्शन फॉरवर्ड बायस नहीं हो सकता, उसको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रिवर्स बायस जंक्शन, केवल जंक्शन के रिवर्स बायस की वजह से वेरिएशन नहीं होता है बल्कि रिवर्स बायस की वजह से डिप्लेशन लेयर चेंज होता है, उसके वजह से वेरिएशन होता है. अगला लिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के बजाय ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देता तो वह ऑप्शन सही हो जाता. नाम है जेपीटी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. इसका मतलब एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें जंक्शन पर, जंक्शन का मतलब पी और एन के बीच के जंक्शन का क्या चीज चेंज करने के, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें तो इसका आउटपुट करंट चेंज होगा. जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसके जंक्शन पे फील्ड के इफेक्ट पड़ता है, ऐसा ट्रांजिस्टर. तो देखो अगर कोई कंडक्टर है, दो कंडक्टर हैं और इन दोनों कंडक्टर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडिया है, इंसुलेटर है, और इसको अगर पॉजिटिव से और इसको निगेटिव से जोड़ दें तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज होता है और वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव तक जाती हैं और हम कहेंगे दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया.
अगर इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा, इस वोल्टेज को घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा। तो यहाँ P एक कंडक्टिंग प्लेट और N एक कंडक्टिंग प्लेट और बीच में इंसुलेटर मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडिया बन गया ना इंसुलेटिंग। ये तो क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक मीडिया में क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि P निगेटिव N पॉजिटिव, रिवर्स बायस में हुआ और रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा और डिप्लेशन लेयर क्या हो रहा था बढ़ रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बढ़ भी तो हम बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या यूज किया उसने, मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए वो ऑप्शन गलत हो गया, अदरवाइज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हमारा ऑप्शन जो है सही होता। एन चैनल एफ वी टी आर सुपीरियर टू पी चैनल एफ वी टी, कह रहा है एन चैनल एफ वी टी सुपीरियर है, बेहतर है किससे, पी चैनल एफ वी टी से, क्यों भाई, बिकॉज तो देखो एक चीज जाने, पिछले पीरियड में जेबी गुप्ता में भी ये क्वेश्चन था कि अगर एन चैनल है, करंट फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से बह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी ज्यादा होती है और होल्स की मोबिलिटी कम होती है, तो एन चैनल में कैरियर क्या होगा इलेक्ट्रॉन, उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम अगर ट्रांजिस्टर हो एफईटी हो कोई भी डिवाइस हो तो जनरली हम एन चैनल को प्रेफर करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी एन चैनल एफईटी क्यों पी चैनल एफईटी से सुपीरियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जाएं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल। आगे बढ़े, हम लोग किसका ले रहे हैं, केवल और केवल एफईटी के क्वेश्चन ले रहे हैं, एफईटी के क्वेश्चन में वहां 214 द ऑपरेशन ऑफ ए जेएफईटी इन्वॉल्व्स, दोबारा फिर से वही क्वेश्चन भाषा बदल के, जितनी चीजें आपको बताई गए हैं सारे क्वेश्चन इसी पे बनेंगे, ये सारे क्वेश्चन वही हैं लेकिन लैंग्वेज चेंज है, तो टाइप ऑफ लैंग्वेज जब पकड़ते हैं तो क्वेश्चन जो आप कहते हो घुमा के दे दिया, क्वेश्चन नहीं घूमता है लैंग्वेज घूम जाती है, उस लैंग्वेज को हम नहीं पकड़ पाते हैं, इससे क्या होगा डिफरेंट टाइप से हम लैंग्वेज को देख रहे हैं। तो कहां थे, द ऑपरेशन ऑफ जेएफईटी इन्वॉल्व ए फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर नेगेटिव रेजिस्टेंस रिकॉम्बिनेशन ए फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, क्या होगा हमारा ए फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफईटी, इसमें से कौन एफईटी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, पहला कह रहा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर न्यू मतलब वीजीएस को इनपुट में डेल वीजीएस बटे डेल वीजीएस इसी के अनुपात को म्यू कहते हैं तो वह होगा ही, फॉरवर्ड ट्रांसकंडक्टेंस देखो आउटपुट की करंट बटे इनपुट का वोल्टेज ले रहे हैं तो ये फॉरवर्ड हुआ, अगर इनपुट बटे आउटपुट लिए होते तो रिवर्स होता है, एक से दो होता है तो ट्रांसफर होता है, टू पोर्ट में भी पढ़ाए हैं, और आउटपुट बटे इनपुट को फॉरवर्ड, इनपुट बटे आउटपुट को रिवर्स, तो फॉरवर्ड ट्रांसकंडक्टेंस भी है, ड्रेन रेजिस्टेंस है, तो कौन कौन है हमारा, ड्रेन रेजिस्टेंस है, ट्रांसकंडक्टेंस है, और कौन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, यही ना है हमारे, तो टेम्परेचर फैक्टर कहीं नहीं है हुआ। The FET are also known as linear device, square root law device, cube law device, square law device. अगर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई को फॉलो करता है तो लीनियर डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो, अगर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर को फॉलो करता है तो स्क्वायर लॉ डिवाइस डी ऑप्शन, अगर वह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई क्यूब को फॉलो करता है तो क्यूब लॉ डिवाइस, लेकिन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के पावर एक बटा दो या कहें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एक्स इसको फॉलो करता है मतलब रूट आई, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट लॉ डिवाइस है, तो निश्चित तौर पर यहाँ क्या होता है हमारा, सबसे पहली बात कि अगर हम देखें तो इसका जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, वह लीनियर नहीं है, VGS इनपुट के चेंज करने पे जो आईडी चेंज हो रही है वह लीनियरली चेंज नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रहा है पैराबोला है, इसका मतलब जो VGS चेंज करते हैं तो करंट वोल्टेज को दुगना तो करंट दुगना नहीं, अगर आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाती है, पैराबोलिक शेप है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, और यहां भी क्या होगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i स्क्वायर, पैराबोलिक है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, कौन सा हुआ स्क्वायर लॉ डिवाइस है, कौन सा डिवाइस हुआ स्क्वायर लॉ डिवाइस। अब एक क्वेश्चन यहीं पे पूछेगा कि FET स्क्वायर लॉ डिवाइस क्यों है,
तो कहेंगे क्योंकि इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ कैसा है, पैराबोलिक है। विच ऑफ द, अब यहां पे यूजेटी का भी आ गया है इसलिए नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जे एफ ई टी इज करेक्ट, जे एफ ई टी के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। कह रहा है इन एन चैनल जे एफ ई टी द चैनल इज नैरोएस्ट अंडर जीरो गेट बायस कंडीशन। कह रहा है हमारी एफ ई टी कौन सी है भाई, एन चैनल एफ ई टी है, चैनल हो गया हमारा एन, और कह रहा है जीरो गेट बायस कंडीशन मतलब गेट को सोर्स से शॉर्ट कर दिया, जीरो बायस गेट वोल्टेज हो गया। इस कंडीशन में कह रहा है ये जो डिप्लेशन रीजन होगा, डिप्लेशन लेयर होगा, नहीं सॉरी चैनल जो होगा, चैनल ये है ना, चैनल सकरा होगा, नैरो होगा, सबसे सकरा होगा। तो सबसे सकरा कब होता है चैनल हमारा, जब VGS की बात करें इसका वोल्टेज VGS ऑफ के बराबर हो जाए, या इधर कहें कि इसको शॉर्ट कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है जब गेट सोर्स क्या है शॉर्टेड है, VGS जीरो है। Which of the following statement about JPT is correct? In N-channel JPT, the channel is the narrowest under zero gate bias condition. तो zero gate bias की condition में क्या होता है? VDS देंगे, VDS बढ़ेगा, तो depletion layer बढ़ेगा। किस shape में depletion layer बढ़ेगा? Base shape में बढ़ेगा। और current क्या होगी हमारी current? Linear होगी। लेकिन VDS का मान जब pinch off के बराबर पहुंचेगा, channel एकदम नैरो हो जाएगा और इससे बहने वाली करंट कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब उस समय जब VDS का मान किसके बराबर, पिंच ऑफ के बराबर, या VGS की बात करें VGS ऑफ के बराबर होता है, तब ना हमारा चैनल एकदम नैरो होगा और जीरो गेस वोल्टेज पे क्या होगा, डिप्लेशन लेयर एकदम छोटा होगा, चैनल एकदम लार्जेस्ट होगा, चैनल का एरिया लार्जेस्ट होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, गलत हुआ। क्लियर, कंफ्यूजन, तो आवाज क्यों नहीं है, कोई कुछ बोली नहीं जा रहा, नहीं समझ में आई बात, बोलो हाँ बोलो, करना हम आगे बढ़े हैं। वो तो क्या कहते हैं कुमार विश्वास कविता भी सुनाते हैं, कहते हैं अरे भाई वाह वाह बोलो तब ना आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो पढ़ाने वाले को और कवियों को भगवान की तरफ से एक आशीर्वाद मिला हुआ है, मालूम क्या नहीं मालूम है, और ये वैधानिक चेतावनी सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है कि इसको बता दिया जाए, नहीं तो जिम्मेदार आप होंगे कि कवि अगर शायरी कविता सुनावे तो उस पर ताली बजानी पड़ती है, और टीचर पढ़ावे तो समझ में आ जाए तो हाँ हाँ बोलना पड़ता है, नहीं तो अगले जन्म में ताली बजाने वाला बन के पैदा होता है। इसलिए समझ में आ जाए तो हाँ हाँ बोलिए, समझ गए, वैधानिक चेतावनी है, बाद में हम जिम्मेदार नहीं होंगे। बी नंबर ऑप्शन, इन इट्स सिस्टमैटिक सिंबल फॉर जेपीटी द एरो ऑलवेज पॉइंट टू पी मटेरियल, क्या बताए थे कि हमेशा जेपीटी के सिंबल पे एरो हमेशा गेट पर होता है, और ये एरो किसको बताता है, इसका जो डायरेक्शन है कि एन टाइप किधर है। तो देखें अगर एन चैनल जेपीटी है तो ये पी है, पहले पी बाद में एन, इसका मतलब ये एन चैनल जेपीटी का हो गया, और यही सिंबल अगर इस पे इधर की ओर हो जाएगा, मतलब कह रहा है एन इधर है तो एन बाहर साइड में हो गया, तो ये पी चैनल जेपीटी का। तो एरो किसको इंडिकेट कर रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर को कहें इंडिकेट कर रहा है कि एन किधर है, इसका मतलब बी ऑप्शन में क्या कर रहा है, पी मटेरियल को, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, इन ए जेपीटी गेट एंड सोर्स है अपोजिट पोलरिटी विद रिस्पेक्ट टू ड्रेन इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ एपीटी। देखो सी नंबर ऑप्शन जो है वो भी सही है, ठीक है, यहाँ पे आपके राजपूत में मिस है, हम गारंटी के साथ कहते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत जगह पे क्वेश्चन मिस है, और आंसर ऑफ आंसर देख के आप क्या करते हो, कभी कभी उसको पूरा देते हो कि भैया ये वाला सही तो ये वाला गलत, लेकिन हमको ऑप्शन देखना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन को देखने के लिए पहले हमको एन चैनल और पी चैनल क्या कहा है, इन ए जेपीटी गेट एंड सोर्स है अपोजिट पोलरिटी विद रिस्पेक्ट टू ड्रेन इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ एपीटी, टाइप ऑफ एपीटी कैसी भी हो, टाइप ऑफ एपीटी कैसी हो, ड्रेन के रिस्पेक्ट में गेट और सोर्स का वोल्टेज अपोजिट होगा,
ये सही बात है। करके इसको देख लेते हैं एक बार, कौन कौन बना लें, एन चैनल और पी चैनल। ये हो गया हमारा एन चैनल और ये हो गया सर दूसरा, सर अगर दूसरा नहीं पता चलेगा, फिर सभी वाला हो गया तो हमने ब्लैक लेंस के नाम पे किसके बारे में आइए, सोर्स की तुलना में गेट किसमें रिवर्स बायस में, इसका मतलब ये क्या है, पी ये क्या जुड़ेगा निगेटिव और ये यहाँ क्या होगा कैरियर क्या है इलेक्ट्रॉन, कैसे ये जुड़ेगा भाई बोलो, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। देखो अब यहां तब तो पॉजिटिव और निगेटिव शॉर्ट कर गया, नहीं कर गया, नहीं ऐसा नहीं होता, हम सोर्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो सोर्स के रिस्पेक्ट में गेट किस पे, निगेटिव पे, और सोर्स के रिस्पेक्ट में गेट पॉजिटिव पे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर सोर्स का वोल्टेज मान लो 5 वोल्ट है, सोर्स का वोल्टेज 5 वोल्ट है, इसकी तुलना में ये निगेटिव, मतलब ये किस पे, लो पोटेंशियल पे, सोर्स की तुलना में गेट ड्रेन पॉजिटिव, मतलब ये 5-7 मान ले। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में देखो, ड्रेन की तुलना में गेट और सोर्स क्या है, चैनल कैसा भी हो, तो ये 7 है, तो इसकी तुलना में 3 क्या होगा, निगेटिव हुआ, 7 है उसकी तुलना में 5 क्या हुआ, निगेटिव हुआ। तो ड्रेन की तुलना में गेट और सोर्स किसमें होंगे, अपोजिट पोलरिटी में होंगे, किसमें, एन चैनल में, पी चैनल में नहीं, एन चैनल में। अगर हम पी चैनल की बात करें, ये क्या हो गया एन, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव और निगेटिव, ये कैरियर होल, ऊपर क्या नीचे निगेटिव और पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनिए, ये सोर्स हो गया, कोई वोल्टेज पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो तुम, इसकी तुलना में ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हुआ, इसकी तुलना में ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होगा। अब इसकी तुलना में इन दोनों की बात करें, इसकी तुलना में ये क्या कहलाया बोलो, पॉजिटिव, और इसकी तुलना में ये भी क्या कहलाया, पॉजिटिव। तो पी चैनल में भी क्या देख रहे हो, ड्रेन की तुलना में गेट और सोर्स क्या है, अपोजिट पोलरिटी में है, सी नंबर ऑप्शन, इसलिए हमने चिन्ह लगा दिया। इन ए जेबीटी गेट एंड सोर्स, गेट एंड सोर्स हैव, रखते हैं अपोजिट पोलरिटी विथ रिस्पेक्ट टू ड्रेन, ड्रेन के रिस्पेक्ट में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ एफईटी, एफईटी का टाइप कैसा भी हो यही चीज हो। बोलिए बात समझ गई, इसका मतलब यहां पे क्या दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन ए गलत, बोलो बी गलत, और कौन सा ऑप्शन सी सही। 218 आगे बढ़ो, लेकिन चौथा ऑप्शन डी, इन जेपीटी गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज इज न्यूमेरिकली इक्वल टू पिंच ऑफ वोल्टेज। तो गेट सोर्स जो वोल्टेज होता है वीजीएस, न्यूमेरिकली वीपी बराबर वीजीएस मोड में लिखते हैं, अगर वीपी 5 वोल्ट तो VGS ऑफ -5 वोल्ट, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों की बराबर है ना, इसमें ऑप्शन कौन सा सही, सी और डी दोनों सही है। जबकि आपकी किताब लिख रही है 218 है ना, 218 में 218 में डी लिख रही है, जी नहीं, सी और डी दोनों होगा, या तो वहां पर उनकी लैंग्वेज में उनको बदलाव करना होगा, समझ गए, एकदम कंफर्म, इसमें सोचने की बात नहीं है। आइए, द पीस ऑफ ए सेमी कंडक्टर बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन इज नोन एज द ट्रिगर गेट हीट सिंक चैनल। अरे ड्रेन से सोर्स के बीच में जो सेमी कंडक्टर होता है, ड्रेन और सोर्स के बीच में, ये ड्रेन और ये सोर्स, ये एन टाइप सेमी कंडक्टर है, किसमें, एन चैनल में, और पी चैनल ये होगा जिसको क्या कहते हो, यही ना सेमी कंडक्टर, और इसको क्या कहते हो तुम, चैनल कहते हो, इसका मतलब ड्रेन और सोर्स के बीच में जो सेमी कंडक्टर है वह क्या कहलाएगा, चैनल कहलाएगा, उसको हम लोग चैनल कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे भी चिन्ह लगा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, 22 और 23, क्योंकि वैसे भी कंपेयर वाला है, जब मॉस्फेट हम पढ़ लें, ट्रायोड के बारे में जान जाए तभी ना कंपेरिजन करेंगे, अदरवाइज तो सीधे रट लें कि हाँ ये होता है, तो नहीं, कंपेरिजन वाली चीज बात है। Which of the following statement about JFET is correct? JFET के अबाउट कौन सा स्टेटमेंट सही है? In its
सिस्टमैटिक सिंबल द एरो ऑलवेज पॉइंट्स टू बी टाइप मटेरियल, फिर गलत एन मटेरियल को दिखाता है। दूसरा इट इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस, सही बात है, गेट ड्रेन और सोर्स तीन टर्मिनल वाला डिवाइस है। इट हैज थ्री इंटरनली कनेक्ट हैवली डॉट गेट, आपको लैंग्वेज में भी दिया गया है कि अगर एन चैनल है तो ये पी और ये पी क्या होंगे, इंटरनली कनेक्ट होंगे एन चैनल में। और अगर हम एन चैनल की बात कर ले यहाँ, सॉरी एन चैनल में, और अगर हम यहाँ पे पी चैनल की बात करें तो पी चैनल में हमारे ये दोनों एन इंटरनली कनेक्ट होंगे। तो क्या कौन के? दोनों गेट है ना, और उसमें से एक कॉमन पॉइंट गेट बाहर निकाल लेते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, हमारे इंटरनली कनेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, इट हैज थ्री इंटरनली कनेक्टेड हैवली डॉट गेट, गलत है, टू इंटरनली। और वैसे भी जानना है आपको ये जो चैनल होता है, मतलब ये पी टाइप और इसमें एन टाइप, ये लाइटली डॉप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं और इसके जो गेट होते हैं वह हैवली डॉप्ड होते हैं। तो दोनों जो हैवली डॉप्ड वाले हैं वो दोनों इंटरनली कनेक्ट होंगे। जबकि यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है, थ्री कह रहा है, जो कि गलत है। आगे बढ़े, तो अभी तक तो आई थिंक सारे ऑप्शन हमारे गलत ही जा रहे हैं क्या जी? इट इज ए करेंट कंट्रोल डिवाइस, ये भी गलत है। क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन, इट इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस। फिर हमारा क्या आ गया, मॉस्फेट आ गया यहाँ के बाद। आइए, ये हो सकता है एन चैनल एफईटीआर, देखो फिर से रिपीट क्वेश्चन, एन चैनल एफईटीज आर सुपीरियर टू पी चैनल एफईटी बिकॉज, क्यों भाई, क्योंकि एन चैनल में कैरियर क्या होते हैं, होल इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए ये क्या है हमारा सुपीरियर है। उस साइड में है क्या, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको कुछ इसके बेसिक के बारे में हम लोग दोबारा बात कर रहे हैं, ठीक है, तब इस पे आते हैं। बंद कर दो इसको, बंद करो इसको, पर इसको बंद करना।